नमस्कार दोस्तों, मैं मनु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है बातों बातों में। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं एक कलाकार जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी एक जगह बनाई है। तो आइए स्वागत करते हैं मलकीत सिंह जी का। मलकीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। और मैं सबसे पहले फेडरल फिल्म्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज करते हैं जी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मलकीत जी, शुरुआत हम करते हैं आपकी जन्मभूमि से, आपके पंजाब से जी। आप पंजाब से हैं और पंजाब की धरती तो कला का संगम मानी गई है शुरू से ही। तो पंजाब में कैसे आपको मोटिवेट किया, पंजाब के कल्चर में कैसे आपको सहयोग दिया आपके इस सफर में? पंजाब का देखिए मनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म है जी वो पंजाब में हुआ, करतारपुर जलंधर में, जिला जलंधर में करतारपुर एक गांव है जी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मेरा जो बचपन है, मेरे जो पिताजी डैडी मेरे वो शिफ्ट हो गए मुंबई में। अच्छा, मुंबई में शिफ्ट हो गए तो बचपन यहाँ पर गुजरा है, एजुकेशन तक मेरा सफ़र जो मुंबई में रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद किसी कारण मुझे हम लोग फिर पंजाब में शिफ्ट हो गए जी। तो उसके बाद का सफ़र जो पंजाब में था, पहले से मेरा रुझान था एक्टिंग में जी, एक्टिंग में तो था ही पहले से। और मैं एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई हैं वो स्पोर्ट्समैन है जी, तो स्पोर्ट्स के साथ साथ वो एक्टिंग लाइन में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, तो जिस टाइम जो सीरियल चलता था DD2 पर, एक सीरियल चलता था मुझे याद है कि बदलते रिश्ते जी, एक सीरियल था जी। तो वो जो चैनल था वो उस टाइम जो चैनल 2 बजे से स्टार्ट होता था। अच्छा, 2 बजे से रात को 12 बजे तक तो उस पर वो सीरियल चलता था। तो उसके उसमें मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट भाई के साथ जाता था जी। तो जाते जाते मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा इसमें। तो ये सिलसिला मुंबई का था, ये मुंबई का जी, जी मुंबई का था। उसके बाद मुझे शिफ्ट होना पड़ा पंजाब जी किसी कारण, तो फैमिली शिफ्ट हो गई तो हमें भी शिफ्ट होना था, तो वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो रुझान तो मेरा इस फील्ड में था ही पहले से जी, तो मैं सोचता था कि अब मैं यहाँ से शुरुआत कैसे करूँ पंजाब से जी। फिर पंजाब से शुरुआत करने का मुझे कोई लिंक, कोई जरिया कुछ मिल नहीं रहा था जी। फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक डांस एकेडमी ज्वाइन की, डांस सीखना शुरू कर दिया, चलो यहीं से कुछ रास्ता निकलेगा जी। तो डांस सीखना शुरू किया, फिर उनके पास थोड़ा टाइम 1-2 महीना डांस किया तो मुझे अंदर से ये नहीं लगा कि मुझे और कुछ सीखना चाहिए। तो वहाँ से मुझे और एक उस्ताद मिला रॉकी नाम का, तो मैं उनके पास जगह नहीं थी, वो सिखाते नहीं थे पर डांसर बहुत अच्छे थे जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके पास से मुझे सीखना चाहिए। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी आप सिखाइए, तो बोले ठीक है सिखाता हूँ पर मेरे पास जगह नहीं, जगह का अरेंजमेंट कर लो। तो फिर मैंने क्या किया, जगह का अरेंजमेंट किया एक जगह, और वो कहीं सर्विस करते थे किसी फैक्ट्री में। तो 6 बजे पहले उनको साइकिल पे मैं लेने आता था, देखता रहता था कि इनकी छुट्टी कब होगी, उनको साइकिल पे लेने आना, उनको साइकिल से मैंने वहाँ जाना, जगह का अरेंजमेंट किया, वहाँ लेके जाना, वहाँ पे 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद फिर उनको घर छोड़ के आना। तो उनसे सीखा काफ़ी, मतलब मेरे पैर बिल्कुल नहीं चलते थे। तो सर, ये सिलसिला कितने दिन तक चला, मतलब आपको लेके जाना, उनको फिर उस जगह पे लाना, फिर कम से कम 6 महीने 6 महीने तक ये चला। फिर उनकी मैरिज हो गई तो बोले अब मेरी मैरिज हो गई, अब मैं नहीं सिखा पाऊंगा जी। तो फिर मतलब पहले से ये था कि आगे तो बढ़ना ही है मुझे जी। तो मैंने बोला ठीक है जी, जिनसे आप सीखें आपके उस्ताद मुझे उनसे मिला दीजिए जी। आप उनके पास गया तो वो ऑलरेडी किसी को सिखाते नहीं थे। अच्छा, तो बोले मैं तो नहीं सिखाऊंगा फिर जी। तो मैं क्या करता था, उनके यहाँ बैठता था, उनका वेट, वो जानबूझ के चले जाते थे कहीं ये वेट करके भाग जाएगा, तो पर मैं जाता नहीं था, रोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के फिर मैं आ जाता था। ऐसा सिलसिला चलता रहा 10-12 दिन। 10-12 दिन बाद फिर उन्होंने बोला यार तू रोज आके घर के बाहर बैठ के जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो मैं डांस नहीं सिखाऊंगा, तू चला जा। तो मैं बोला नहीं सर,
मैं मेरे को तो सीखना है, आप भी सीखना जी जो मर्जी, मतलब जिद थी यार, जो मर्जी है, हाँ जिद थी। वो बोले कि पीछे पड़ गया बोला। फिर मैं उसके अगले दिन गया, मैं बोला ऐसे मानेंगे नहीं। मैंने एक मिठाई का डब्बा लिया, एक दो थोड़ा सा तौलिया वगैरह लिया, तो मैं बोला ये लीजिए उस्ताद जी, ये आपके लिए लाया हूँ, आप सिखाइए या मत सिखाइए, मैं एक घंटा यहाँ बैठ के रोज जाया करूँगा, आपकी मर्जी। मतलब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको सिखाना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने सिखाया। उनके पास छोटी जगह थी पहले उस टाइम, तो इतनी छोटी सी जगह थी, इतनी सी जगह में उन्होंने क्या करना कि दो स्टेप सिखाने, मैं मतलब 6-7 किलोमीटर से आता था, मैं साइकिल पे उसको साइकिल पे आता था, दो स्टेप लेके चले जाता था। ऐसे करते 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 सीखा। फिर वहां से मुझे उस टाइम दौर था जो पंजाबी जो सॉन्ग्स थे जी, वो ETC पंजाबी चैनल शुरू हुआ था जी, तो उस पे पंजाबी सॉन्ग में बैकिंग में जो कोरियोग्राफी जो डांस वगैरह करते हैं उसमें मौका मिला। वहाँ से फिर लिंक बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर मेरा एक्चुअली मेन तो काम मेरा एक्टिंग का ही था जी, जी। मैं तो जरिया ढूंढ रहा था जी, तो एक्टिंग में वैसे डांस की भी जरूरत है जी, अगर एक्टिंग अब सीखनी है तो एक्टिंग में डांस की भी जरूरत है, तो इसलिए मैंने उसी से शुरुआत कर ली। और वहाँ पर फिर मैंने शुरू किया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से मुझे आगे से आगे मंजिल मिलना शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने और एक एकेडमी, फिर उस्ताद जी के पास सीखता था काफ़ी टाइम, तो उन्होंने बोला ठीक है तू और किसी से सीख जी, जी। तो एक दो जगह और सीखा मैंने गया, पर मुझे वो मिला नहीं जो मुझे चाहिए था जी। तो फिर मैंने उसके बाद एक्टिंग की तरफ आया जी। फिर थोड़ा टाइम 6-8 महीने मैंने थिएटर भी किया। अच्छा, कहाँ पे? शहर में थिएटर, पंजाब जलंधर शहर में, जलंधर। हमारा एक ग्रुप बन गया था, 5-6 जन का ग्रुप, वो लड़के पहले से थिएटर करते थे, तो ग्रुप बन गया, तो हम लोग मतलब थिएटर किया। स्कूल का एक ग्राउंड था जी जी, उसमें वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस किया। तो सर जो ये प्लेस होते थे पंजाबी में हुआ करते थे? नहीं, हिंदी में, हिंदी प्लेस का। हिंदी में मुझे याद है कि हम लोगों ने प्ले किया था गांधी जी की बकरी। अच्छा, इस नाम का एक प्ले था जी, वो हम लोग वहाँ पर किया करते थे। तो ऐसा ही सिलसिला चलते रहा चलते रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम बिताया पंजाब में। फिर मैंने देखा कि पंजाब में इंडस्ट्री जो है, पंजाब की इंडस्ट्री है दायरे में बंधी हुई है जी, उसके बाहर निकलना चाहता था। तो बाहर निकले वहाँ से, एक्चुअली क्या हो गया कि मेरी लाइफ में काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव आए मेरी लाइफ में। तो मैंने क्या किया कि फिर मुझे कुछ समय के लिए मुझे सर्विस ज्वाइन करनी पड़ी। अच्छा, जॉब भी किया? जॉब किया। वो किस सेक्टर में किया आपने जॉब? जो मैं एक्चुअली पहले जब एजुकेशन स्टार्ट मेरी ख़त्म हुई थी, एजुकेशन के बाद फिर मैंने टेक्निकल लाइन में मतलब मैंने थोड़ा सा सीखा जी जी, 6-8 महीना कहीं जॉब सीखा था मैंने। मैंने डाई मेकिंग का काम सीखा, डाई मैकेनिकल में आता है जी, डाई मेकिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, डाइयों का काम भी सीखा मैंने जी, जी। ये मुंबई में सीखा मैंने पहले जी। तो पर मेरा एक्चुअली वो तो था कि घर वालों का प्रेशर था कि ये काम सीख, तो सीखना एक्चुअली ध्यान ही नहीं था ज़्यादातर घरों में होता है घरों में। हाँ, तो वो एक्चुअली वो काम सीखा वो मुझे काम भी आया। तो जब मेरा थोड़ा वक्त ऐसा चल रहा था तो उस टाइम पे मुझे वो काम आया। इसीलिए कहते हैं ना सर कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, कभी ना कभी बिल्कुल जीवन में उसका उपयोग होता है। बिल्कुल। तो वो मैंने किया, फिर गैप पड़ गया थोड़ा टाइम। गैप पड़ने के बाद फिर मैं स्टैंड हुआ। फिर मैंने वहाँ पर थोड़े पंजाब में शो ऑर्गेनाइज किए जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हाँ, अच्छा, तो वो मैंने ऑर्गेनाइज किए 2016-17 तक मैंने लगभग 10 शो करवाए। 10 शो करवाए। हाँ सर, तो कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और कैसे कोई व्यक्ति उसको करा सकता है। बहुत से हमारे नए दर्शक हैं जो इस बारे में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, हम लोग एक्चुअली हमारे जलंधर जो था मतलब जलंधर लेवल के ही शो करवाते थे जी, जलंधर पंजाब के, और जो साथ में जैसे होशियारपुर है जो साथ में जिले लगते हैं जी जी, वहाँ तक हम लोग अपने एक दायरे में करवाते थे कि ऐड भी लगता है उसमें, इन्वेस्टमेंट भी लगती थी जी जी, और उसमें क्या स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं जी जी। सबसे पहले तो ये जो ऐसे शो करते हैं हम लोग, ये स्पॉन्सर्स के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, क्योंकि खर्चा नहीं निकलेगा जी जी, तो हम लोग बच्चों से एक मिनिमम फीस रखते थे, उसकी ऐड करते थे, ऐड करने के बाद पोस्टर लगाते थे शहर में, तो बच्चे आते थे ब्यूटी कॉन्टेस्ट,
उनको पहले एक हफ्ता पहले उनको प्रैक्टिस कराते थे कि वॉक कैसे करनी है। जी जी, वॉक की उनको प्रैक्टिस कराते थे, पूरा कोरियोग्राफी होती थी। फिर उसके बाद रैंप पे कैसे चलना है वो सब उनको बताया जाता था। फिर ड्रेस कोड जी कैसे पहनना है, ड्रेस कोड क्या क्या है, लहंगा है, साड़ी है लड़कियों की, और वेस्टर्न जो फंकी राउंड आता है जी वो तीन राउंड का शो होता था, उसके बाद क्वेश्चन राउंड भी होता था। उसमें बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं शो के साथ साथ। जजेस कौन से उसमें रखने हैं, उस फील्ड के जजेस वो करने पड़ते हैं। तो ये सब किया मैंने, मतलब इतना करते करते काफी मेहनत लगती होगी मुझे लगता है। बहुत मेहनत मतलब, और आपने ऐसे 10 शो ऑर्गेनाइज कराए। हाँ 10 शो, मतलब कहने का मतलब है कि एक शो करा लिया, एक शादी करा लिया समझे। तो कहने का मतलब है कि 10 शादियां करा चुका हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी की शादी में बाप की चप्पल गिर जाते हैं, वैसा कुछ बराबर। मतलब बहुत ज्यादा कष्टदायी रहता था, बहुत ज्यादा मेहनत रहती थी। तो सर आपने थिएटर का जिक्र किया कि आप कलाकार हैं, थिएटर में आपने भी समय दिया जी, तो आपको क्या लगता है कि थिएटर कहाँ तक एक कलाकार के लिए फायदेमंद है और उसको थिएटर करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि एक कलाकार को थिएटर करना ही चाहिए जी जी, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि जो लोग घर वाले कुछ उनको बोल देते हैं या जहाँ रहते हैं वो बोल देते हैं तू बहुत अच्छा एक्टर है, तू बहुत कर सकता है, तो इसी बात को लेके वो लोग निकल जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं सीखने के लिए, दिल्ली चले जाते हैं जी, और वहाँ पर जाके उनको पता लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं जी। तो थिएटर जो है, थिएटर में सबसे पहले तो डायलॉग डिलीवरी जी स्ट्रांग होती है जी जी, है ना, एक्सप्रेशन वगैरह वो सब बाद में बाकी बहुत कुछ सीखता है, सबसे पहले डायलॉग तो बोले। सही बात है, डायलॉग बोलना तो आए पहला पाएगा। हाँ जी, डायलॉग डिलीवरी थिएटर से स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो जाता है जी। तो थिएटर करना बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, और थिएटर के बगैर मेरे हिसाब से तो अगर एक्टिंग क्लासेस भी लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट से वो उससे भी बेहतर है थिएटर, वो एक अलग चीज हो गई है, ये एक अलग चीज हो गई, क्योंकि लगातार एक ही प्ले के साथ आपने बिना रुके डायलॉग्स बोलने हैं जी जी जी, तो ये इससे बड़ी चीज क्या होगी। ओपन ऑडियंस है, कोई कट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है जी जी। सर आपने अभी जैसे बताया आपने डांस सीखा, आपने थिएटर सीखा, और फिर आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, ये तीन अलग विधाएं हैं, और कहीं ना कहीं से प्रेजेंटेशन की का मीडियम है, कहीं ना कहीं से ये ऐसे माध्यम है जो कला से जुड़े हैं जी। तो इन तीनों पे आप प्रकाश डालें, और कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, हम दोनों बातें आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा ये सोचना है कि एक एक्टर जो एक आर्टिस्ट है उसको सब चीज़ें आनी चाहिए जी। तो सब चीज़ें का मतलब सबसे पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ, इसलिए एक तो मेरा पर्सनल स्वार्थ था कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाता हूँ, तो उस टाइम जिस टाइम मैंने करवाए हैं शुरू किए थे उस टाइम इतना ये डिजिटल जो मीडिया इतना नहीं था, तो मेरे कहने का मतलब मैंने अपने स्वार्थ के लिए कराया कि जैसे मैं अभी शो करवाता हूँ तो ऐसे मुझे आप जानते हैं चार बंदे जानते हैं जी, तो ये शो मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा, यहाँ पर 500 ऑडियंस आएंगी, तो 500 ऑडियंस मुझे लाइव देखेंगे जी, ये शो किसने करवाया, तो मैं अपनी ऐड भी होगी मेरी जी जी, मेरी ऐड होगी, प्लस जो बच्चे नए आना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, डबल फायदा जी। तो इसमें जो हम लोग रैंप शो करवाते हैं, रैंप शो का मीनिंग क्या है कि इसमें वॉक होती है, ड्रेस सेंस होता है जी जी, तो सबसे पहले जो एक एक्टर है उसको चलना आना चाहिए। ये रैंप शो में क्या होता है, वॉक ही होती है जी जी, चलना सिखाते हैं, तो जिसको चलना नहीं आता है तो वो आगे क्या करेगा। सही बात। तो ये एक मेरे हिसाब से पहली सीढ़ी है, चलना आ गया, उसके बाद ड्रेस कोड, ड्रेस सेंस आ गया, उसके बाद उसका क्वेश्चन राउंड होता है, क्वेश्चन राउंड में उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि ये किस कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दे पाते हैं। तो ये सब चीजें कहने का मतलब है कि करते करते आती भी है, सीखता है बंदा करते जाता, अभी भी सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सर जैसे बातों में आपने बताया कि एक्टिंग के बारे में, कि एक्टिंग से आदमी डायलॉग डिलीवरी सीखता है, आपने डांस के बारे में बताया फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो ज़रूरी है, और आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट और इन चीज़ों में जिस तरह से अपना काम किया उससे ये महसूस होता है कि वॉक यानी मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज एक वर्ड इस पर
कि उस पे कैसे काम करना चाहिए कलाकार को। बिल्कुल। तो सर ये तो आपकी सीखने की आपकी कोशिश थी और आपने इस माध्यम से इसमें बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद सर आपका असली लाइन कैसे शुरू हुआ, एक्टिंग की दुनिया में कैसे आप कदम रखे, क्या वो पंजाब की पृष्ठभूमि थी या आपको तुरंत मुंबई आना पड़ा? नहीं, शुरुआत तो मेरी पंजाब से हुई है। जी, पंजाब से ऐसे शुरुआत हुई है कि वहाँ पर भी मैं काफ़ी जगह गया, काफ़ी जगह जो जहाँ मेकर थे, फिल्म मेकर, यहाँ मुंबई जैसे जैसे मुंबई में ऑडिशंस होते हैं वैसे वहाँ नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत ऑप्शंस है ऑडिशन जगह जगह पे हो रहे हैं। तो वहाँ का क्या तरीका है? वहाँ का तरीका है कि या न्यूज़पेपर में ऐड आती है या आपके लिंक है कहीं, तो वही एक जरिया है कि काम कर सकते हैं, लिंक्स नहीं तो कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया कि काफ़ी टाइम पहले मैं इधर उधर घूमा, तो फिर मैंने एक तरीका अपनाया कि क्यों ना खुद ही प्रयास किया जाए छोटे छोटे काम को लेके। जी, तो मैंने जैसे वहाँ पर सॉन्ग जो पंजाबी गाने हैं वो बहुत चलते हैं। जी, तो मैंने गाने को एक्चुअली मैं जाता था ग्रुप के साथ। जी, डांस ग्रुप था मेरा, तो उसको लेके जाता था, तो वहाँ पर देखता था कि कैसे वो लोग काम करते हैं, क्या तरीका है उनका काम करने का। जी, और सब कुछ चीज़ों पर ध्यान रखता था। तो मैंने क्या किया कि स्क्रीन पे आने के लिए पहले मैंने जरिया ये किया कि पहले मैंने गाने वहाँ के पंजाब के जो सिंगर हैं उन लोगों से कांटेक्ट किया कि आपका गाना मैं बना के देता हूँ। अच्छा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं कुछ था ना। जी, वो भी तो चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने एक गाना बनाया, तो फिर मैंने देखा हाँ ठीक है ये मतलब अच्छा बनाया गाना मैंने। तो गाना बनाने का मतलब क्या है? मतलब गाना बनाने का मतलब ये है कि सिंगर्स जो हैं वो उनको कोई ना कोई डायरेक्टर चाहिए होता है कि गाना शूट करके डायरेक्शन करके एडिट करके हमको दे दे, तो वो सिंगर बाद में अपने चैनल्स पे लगाते थे। जी जी, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब वगैरह तो था नहीं। जी जी, तो हम लोग क्या करते थे कि गाना उनको उनसे गाना लिया, गाना सुना, गाने की स्टोरी बनाई, स्टोरी बना के उसको शूट किया और शूट करके एडिट करके सिंगर को दे दिया। जी, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो ऐसा कितना काम किया होगा आपने गाने पे या एल्बम पे? जी, मैंने अप्रोक्सीमेट पंजाब में 40 से 45 गाने शूट किए। 40 से 45? जी, उसके बड़ा अमाउंट है मुझे। हाँ जी, तो वो गाने मैंने शूट किए। शूट करने के बाद फिर मैं उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं उनके साथ मैंने काम करवाया, फ्री काम करवाया, मुझे सीखना था तो उनके साथ शूट पे जाता था, उनके साथ सब काम करवाता था फ्री में, कोई अमाउंट नहीं कुछ नहीं एकदम फ्री में। और उसके बाद था तो मेरा एक्टिंग में रुझान, पर ये मुझे एक्चुअली इनकम के लिए मुझे ये भी करना था साथ में, कुछ इनकम तो थी नहीं। तो फिर उसमें से किसी एक बंदे ने मुझे नाम नहीं लूंगा किसका, किसी ने कहा कि इसको तो एक्टिंग नहीं आती है। अच्छा, हाँ ये करवा सकता है, ये एक्टर थोड़ी ना, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने एक्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया वही करना उसके बोलने के बाद। हाँ, तो कोई ना कोई जरिया तो होता है, मुझे फ़ायदा हो गया उसके बोलने का। जी, मुझे फ़ायदा हो गया कि मैं एक्चुअली अपनी लीग से हट रहा था, तो फिर मैं आ गया उसी लाइन में। तो मैंने क्या किया कि फिर एक तो छोटी छोटी फिल्में थी पंजाबी जो बनती उसमें एक्टिंग की मैंने। जी, उसके बाद फिर मैंने ऐसी दो तीन और मतलब पंजाब के प्रोड्यूसर्स हैं छोटी जो टेलीफिल्में बनाते हैं, एक माँ आशा देवी फिल्म से उन लोगों के साथ पूरा काम किया, उसमें एक्टिंग भी की मैंने। इस तरह से एक पंजाबी फिल्म आई थी शूटिंग सजना भी। जी, तो इसमें मैंने काम किया। फिर उसके बाद और थोड़े बहुत ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें काम किया मैंने। उसके बाद फिर एक स्टूडेंट था मेरा, वो एक स्टोरी लेके आया। जी, वो बोलता है कि सर मैं एक स्टोरी, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, तो आप एक फिल्म बनाइए। जी, मैं बना देते हैं। मैंने बोला स्टोरी लेके आ, 10-15 दिन बाद आ गया, वो बोलता है मैं स्टोरी लिख के ले आया। सर उस स्टूडेंट को क्या सिखाते थे आप? वो स्टूडेंट को एक्टिंग के बारे में उसको मैं नॉलेज देता था, सिखाता था उसे कि जैसे हम लोग थिएटर वगैरह भी करते थे ना वहाँ पर। जी, तो वो आते थे हमारे पास, तो बोला कि सर जी क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। जी, तो हम लोगों ने क्या किया फिर कि स्टोरी लेके आ गया 10-15 दिन बाद, और स्टोरी लेके आया तो मैं देख के आया, मैं 1.5 पेज लिख के लिया, ये क्या हो गया स्टोरी? तो 1.5 पेज की स्टोरी लिख के ले गया। तो मैंने बोला इसमें डायरेक्ट डिलीवरी स्क्रीन प्ले कहाँ है, कौन करेगा? आप करोगे? तो जी, बजट तो था नहीं, मतलब बजट की कमी की वजह से मैंने बोला चलो फिर वो मैं ही करता हूँ। तो वहाँ से मैंने लिखना भी शुरू किया। अच्छा,
थोड़ा बहुत जी, जो मुझे जितनी मुझे नॉलेज है जी जी, प्रॉपर राइटर तो हूँ नहीं जी, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो वो एक फिल्म जिसका नाम है मसला पानी का, मसला पानी का, पानी के ऊपर एक फिल्म बना जी, पानी की जो कमी है वो तो है ही हर जगह, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, हमारे हिंदुस्तान में भी है। तो उसके ऊपर एक फिल्म बनाई हमने, वो अच्छी फिल्म बनी। तो इस टाइप की फिर और दो तीन फिल्में बनाई, चार फिल्में बनाई ऐसे छोटे मोटे। तो फिर एक मुझे इसी समय पे मुझे एक मिल गया, यूके का एक चैनल है, वो पंजाबी चैनल है, तो उसका एक मुझे काम मिल गया कि सीरियल बनाना है पंजाबी। फिर उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया और उनको स्टोरी भेजी, स्टोरी पास की, तो उसके एपिसोड बनाए। फिर किसी कारण बजट की वजह से वो बंद करना पड़ा जी, तो वो 7 से 8 एपिसोड वो भी किए हमने, उसमें एज ए एक्टर भी हूँ मैं। अरे तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर जो मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ, जो खराब कर रहा हूँ समय, तो यहाँ पर मेरा मतलब असली मंजिल मुझे यहाँ नहीं मिलेगी जी। तो इसके बाद और कुछ घर की समस्याएं भी जी, बच्चे मेरे छोटे थे पढ़ते थे, तो बच्चे अब बड़े हो गए, तो अब मुझे समय मिल गया कि यहाँ से निकलूँ बाहर। तो फिर मैंने क्या किया, ट्रेन पकड़ा और सीधे बॉम्बे मुंबई आया। सर एक्टिंग के लिए सफर ने आपको पहले बॉम्बे से पंजाब, फिर पंजाब में आपका एक्टिंग के प्रति रुझान सीखना, और उसके बाद आप फिर मुंबई। तो सर मुंबई के बारे में आप क्या कहेंगे, बहुत से दर्शक हैं जो मुंबई के बाहर हमें देख रहे हैं, आप एक्टिंग के लिए मुंबई आए, तो कैसा महसूस किए, क्या यहाँ सफलता मिली, क्या परेशानियाँ आई, उसके बारे में ज़रा आप प्रकाश डालें जी। मैं तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं जी जी, उनको यही कहूँगा कि सीखिए और सीख के आइए, क्योंकि मुंबई में हम लोग जैसे पंजाब से हैं जी, हम लोग पंजाब से हैं, कोई यूपी से, बिहार से, गुजरात से, और सब जगह से आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यहाँ से यहाँ पर आने के बाद फिर नए सिरे से शुरुआत हो जी जी, तो वो स्टूडेंट सोचता है कि इतना कुछ मैंने किया है तो यहाँ से फिर नए सिरे से शुरुआत। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों को क्या आती है कि जो पंजाब में रहे हैं जी, तो उनकी मदर टंग इन्फ्लुएंस वो आती है, वो सबसे बड़ी समस्या है जी। तो ये सब चीज़ें वहीं से वो तैयारी करके फिर आए, और यहाँ आने के बाद ऑडिशंस तो है ही, वो तो देने पड़ेंगे, पर यहाँ पर क्या है कि अपने लिंक बनाइए, लिंक के जरिए काम जल्दी और ये मिलता है अधिक मिलता है। और मेरा तो यही, मैं नए आर्टिस्ट जो है उनको यही कहूँगा कि अगर एक बार आपने इस फील्ड में कदम रखा है, और जिसने ये सोचा है कि मुझे कुछ एक्टर बनना है तो बनना है, तो पीछे के दरवाजे बंद करके आओ। जैसे जब आचार्य द्रोण ने पूछा सभी अपने विद्यार्थियों से कि तुम्हें क्या दिख रहा है उस चिड़िया में, तो चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना था, तो सबने अलग अलग जवाब दिए, किसी को पूरा पेड़ दिख रहा था, किसी को जो है पूरा पीछे का पूरा खेत दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे केवल आँख दिख रही है। कुछ वैसा ही आपने भी यहाँ कहा कि ध्येय केवल एक रखिए और बाकी सारे ऑप्शन बंद कर दीजिए। बिल्कुल। तो सर ये तो बातें हो गई एक्टिंग की, कला जगत की, थोड़ी सी बात अब मिट्टी की हो जाए। आप पंजाब से हैं और पंजाब पूरे हिंदुस्तान में फेमस है अपनी मस्ती के लिए, अपने खुशनुमा अंदाज के लिए, फिर सर कुछ बातें पंजाब के बारे में करना चाहेंगे, पंजाब से आपने क्या सीखा और पंजाब को आप किस तरह पसंद करते हैं? देखिए पंजाब जन्मभूमि है मेरी जी, और पंजाब की सबसे अच्छी बात क्या है कि पंजाब जो पंजाबी लोग होते हैं दिलेर होते हैं, दिलेर कहने का मतलब कि बहुत बड़े मन के होते, सोचते नहीं ज़्यादा, करना है तो कर लेना है, करना है तो करना है, जिद्दी भी होते हैं जी जी, और अच्छे मन के होते हैं जी। इसीलिए देखिए पंजाबी इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी ग्रोथ में है, ग्रोथ में, तो कहने का मतलब कि ये सबसे प्लस पॉइंट है पंजाब का। और दूसरा कि वातावरण तो है ही जी, सबसे बेस्ट है पंजाब का, सही बात, खाना पीना और सब जगह पूरे इंडिया में मशहूर है, तो इस तरह से पंजाब जो है कहने का मतलब कि पूरा मस्ती जी, पूरी मस्ती है, हाँ पूरी मस्ती है। अभी सर आप खाने पीने का जिक्र कर रहे थे, तो पंजाब तो हम लोग तो पंजाबी ढाबे खोजते रहते हैं, पंजाब का खाना तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आपको क्या पसंद है खाने में, खाने पीने में और इन चीज़ों में? पंजाब में तो एक्चुअली मुझे, मैं सही बोले तो मुझे लस्सी पसंद है वहाँ। क्या बात है,
पंजाबी लस्सी।